राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। अगर आप इन पौधों को, सेकुलर प्लांट हैं ये, आप चाहते हो कि सर्दियों भर फूल देते रहें, तो आपको छोटे छोटे से टिप्स अपनाने होंगे, जिससे कि आपका पौधा डोर में से मिल नहीं जाएगा और आप ऐसे ही आपके पास फूल देता रहेगा। आप देख रहे हैं, मैंने ये बहुत छोटे से ही डब्बे में इसको लगाया हुआ है। इसकी खूबसूरती आप देखिएगा कैसी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें इसको बस एक दो बार हल्का सा पोटेशियम देना है। वो कहीं से देना है? चाय की पत्ती होती है उसको सुखा करके, और जो के हमारे आलू के छिलके हैं, दोनों का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें बना करके आप दे सकते हैं। तो ये आपके जैसे मेरा ये इस मौसम में भी, सर्दी में भी फूल लगातार दे रहा, ऐसे ही देता रहेगा। दूसरे एक काम और करना है आपको, अगर ये लग रहा है कि मैं इसको कैसे बचा के रखूं, तो आप इसकी सॉइल तैयार कीजिएगा और उस सॉइल में इसकी ये कटिंग करके, जितनी मोटी मोटी रूट हैं उसको कटिंग करके ऐसे, और आगे से भी हटा दीजिएगा ये, और जो सीधा ब्रांच है उसमें लगा करके ऐसे, कुछ ऐसे ही, और इसको आप आराम से शेडेड एरिया में रख दीजिएगा। तो इसकी आपको जितनी भी वैरायटी है ना, ये सब बच जाएंगे। देखो जैसे ये वाला ऑरेंज है, इसके फूल चले गए हैं। इसमें मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, क्योंकि मैं मुझे लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लगातार फूल लेने से मेरा पौधा मर जाए, क्योंकि मौसम अब बहुत ठंडा हो गया है। ये इसकी देखिए, मैंने कितनी मोटी मोटी ब्रांचें लेके लगा रखी हैं, बाकी सब हटा दिए हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही फरवरी में भी धूप शुरू हो जाएगी अच्छे से, तो आपके पौधे में दोबारा फूल वैसे ही आ जाएंगे, आपको दोबारा लेना नहीं पड़ेगा। बस जानकारी आपकी बगिया को ऐसी ही महकाती रहेगी। वैसे फॉलो कीजिएगा, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी जानकारी के साथ मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।